कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, मैं रात को जल्दी डिनर कर लेती हूँ या तो फिर डिनर स्किप करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ डिनर। तो आज रात को 1:30 बज गया था और इतना ज़ोर से भूख लग गया था, तो मैं फर्स्ट सोची खाऊँ या नहीं खाऊँ, फिर सोचा चलो भूख लगा है तो खा ही लेती हूँ। तो फ्रिज खोला, फ्रिज खोल के मैंने देखा अगर कुछ मिल जाए खाने का, तो कुछ मिला नहीं। यहाँ पर मिला मुझे अंडा, सोचा अंडा से ही कुछ बना लेती हूँ इंटरेस्टिंग सा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया मैंने और यहाँ पर इसका ऑमलेट बना रही हूँ मैं। तो ऐसे नॉर्मली मैं कभी भी इतना रात को नहीं खाती हूँ, बट आज इतना ज़बरदस्त वाला भूख लगा था कि नाइट वाला क्रेविंग के लिए मैंने खा ही लिया थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, उसके साथ ही थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और इसको अच्छे से मैं यहाँ पे इसका ऑमलेट काइंड ऑफ बना ली हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में। उसके साथ मेरे पास यहाँ पे एक ब्रेड था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वन पीस ब्रेड भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑमलेट जो है वो रेडी हो चुका है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक टू ब्रेड लूँगी और उस ब्रेड को अच्छे से सेक के उसके ऊपर इस ऑमलेट को लगा के यहाँ पे मैं फ्लेम बहुत ही लो कर दी हूँ और इसमें हल्का आँच में ये ब्रेड सेक जाएगा और इतना क्रिस्पी ब्रेड बन जाता है इसमें। तो इसी तरीके से मैं इसका ब्रेड को बना लूँगी। उसके साथ ही कोई मुझे बहुत ही ज़्यादा संगीन नज़रों से देख रहा था, यहाँ पे कैंडी जो पकड़ ली मेरा चोरी, तो उसको भी मैंने सोचा थोड़ा सा ऑफर कर ही दूंगी। तो यहाँ पे मेरा ब्रेड ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है और यहाँ पे मैं इसको अब जाऊँगी कैंडी के पास लेके। और थोड़ा सा ना यहाँ पे मैंने केचप भी यूज़ किया है क्योंकि थोड़ा सा टेस्टी लगता है केचप के वजह से। बट जैसे ही कैंडी को मैंने ऑफर किया, शी वॉज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट माई ऑफर। तो मैंने बोला फिर भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर ही लेती हूँ, बट बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी उसने नहीं खाया। तो मैंने सोचा मैं खुद ही खा लेती हूँ, उसको नहीं खाना पड़ेगा। उसके साथ ही अभी भी थोड़ा और भूख लगा हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा सा केक था मेरे पास, वो भी खा लिया। जब इतना कुछ खाया था तो इसको भी खा लिया। तो आपको भी ऐसा क्रेविंग होता तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो टिल देन बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।